नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश में अगले साल 1 लाख सरकारी भर्ती की तैयारी। सरकारी भर्ती किए जाने के संबंध में जीएडी का आदेश। सीएम ने की साल भर में 1 लाख नौकरियों की घोषणा। 23 सितंबर तक जिलों को देनी होगी जानकारी। राज्य स्तर के रिक्त पदों को पोर्टल पर की अपील। पत्रकार बीमा योजना के तहत बढ़ी हुई प्रीमियम राशि का खर्च सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके दी जानकारी। इसके साथ ही फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि भी 16 सितंबर से बढ़ाकर 30 सितंबर की गई। सीएम भूपेश के प्रयासों को मिली सफलता। छत्तीसगढ़ की कई जातियां एसटी वर्ग में होंगे शामिल। पीएम की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। सीएम भूपेश ने पीएम मोदी को लिखा था पत्र। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही को देखने के लिए जबलपुर के ज्ञानोदय चिल्ड्रंस एकेडमी में स्कूल की छात्र छात्राएं भोपाल पहुंची। और जबलपुर से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री तरुण भरूंट ने अपने विधानसभा क्षेत्र के इन सभी स्कूल के छात्र छात्राओं को विधानसभा और सदन की कार्यवाही का अवलोकन कराया। इस दौरान तरुण भरूंट ने बच्चों के साथ विधानसभा में करीब 1 घंटा बिताया। उनके साथ लंच किया, साथ ही बच्चों को राजनीतिक कानून और विधानसभा के बारे में बातचीत की। श्योपुर के अकूनो नेशनल पार्क के लिए अपनी 260 बीघा जमीन और किला देने वाले पालपुर राजघराने के वंशजों को 17 सितंबर को पार्क में आयोजित होने वाले कार्यक्रम का न्योता नहीं दिया गया है। न्योता न मिलने से पालपुर राजघराने के वंशज गोपाल देव सिंह नाराज हैं। गोपाल देव सिंह ने कहा है कि एक तो संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया गया और कोई मुआवजा नहीं दिया गया, अब कार्यक्रम में भी वंचित रखा जा रहा है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूनो पार्क में चीते छोड़ेंगे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें निमंत्रण तक नहीं दिया है। विधानसभा के सत्र के धुएं डालकर नाला पार कर रहे हैं ग्रामीण। उफलते नाले को पार करने को मजबूर स्कूली छात्र। ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। लंबे समय से पुलिया निर्माण की कर रहे हैं मांग। गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश के पूर्व सीएम समेत कांग्रेस के 11 में से 8 विधायक आज बीजेपी में शामिल हो गए। पार्टी में शामिल होने से पहले कांग्रेस के इन बागी विधायकों ने गोवा के सीएम प्रमोद सावंत से मुलाकात की थी। इससे पहले बीजेपी के गोवा प्रदेश अध्यक्ष सदानंद तनावड़े ने भी दावा किया था कि बुधवार को कांग्रेस के 8 विधायक बीजेपी में शामिल होंगे। बता दें कि कांग्रेस को झटका उस वक्त लगा है जब पार्टी अपनी जमीन को तलाशने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के नेता देशभर में 150 दिन की 3570 किलोमीटर की यात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्रा 12 राज्यों से गुजर रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी कांग्रेस का हंगामा। कल सुबह 11 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही हुई स्थगित। विधानसभा के विपक्षी विधायकों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक हाथों में तख्तियां लेकर विधानसभा के बाहर एकजुट हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान विधायकों ने कुपोषण के मुद्दे पर हंगामा किया और आरोप लगाया है कि सदन में सरकार उनके प्रश्नों का जवाब ठीक से नहीं दे रही। विधायक हाथों में तख्तियां लेकर विधानसभा में एंट्री की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान पुलिस से विधायकों की झड़प हुई। पीएम मोदी के मध्य प्रदेश के दौरे के चलते 17 सितंबर से पहले खत्म हो जाएगा विधानसभा का मानसून सत्र। छत्तीसगढ़ में महंगी हुई बिजली। शासन ने बढ़ाया 30 पैसे प्रति यूनिट बीसीए चार्ज। 400 यूनिट का बिजली बिल पहले आता था 913 रुपए। उपभोक्ताओं को अब चुकाने होंगे 120 रुपए अधिक। रायगढ़ में सीएम भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र पहुंचे सीएम। इस मौके पर ग्राम छाल में स्थित महादेव मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम ने अमृतेश्वर महादेव की विधिवत जल अभिषेक करके प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। भोपाल में एनसीसी कैंडिडेट जवान की खुलेआम गुंडागर्दी सामने आई है। बस किराया मांगने पर बस कंडक्टर को पीटा है। हमले में कंडक्टर घायल हुआ। मध्य प्रदेश लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने प्रतिमाओं के क्ले मॉडल का अवलोकन किया है। इस दौरान पूर्व सीएम के परिजन भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा है कि राज्य शासन की तरफ से प्रदेश के दिवंगत सीएम की प्रतिमाएं एक साथ मंत्रालय परिसर में लगाई जाएंगी। इसके लिए मंत्रालय भवन परिसर में गैलरी तैयार की जा रही है, जिसके लिए दिवंगत मुख्यमंत्रियों के परिजनों से सुझाव लिए जा रहे हैं, जिस पर अमल कर क्ले मॉडल को दोबारा बनाया जाएगा। भोपाल में बीजेपी कार्यालय गिराने की खबर से बीजेपी नेता रघुनंदन शर्मा नाराज हो गए हैं, जिसे लेकर उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखा है। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष से दीनदयाल परिसर गिराए जाने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और बीजेपी कार्यालय पर बुलडोजर चलाने को असहनीय बताया। उन्होंने पत्र में लिखा है कि कार्यालय बनाने में हमने खून पसीना बहाया है। पुराने भवन से पुराने कार्यकर्ताओं की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। पुराने कार्यालय को तोड़ने के बजाय नई जमीन खरीदकर नया कार्यालय बनाया जाए।
भोपाल के एम्स में जुटेंगे देशभर के मेडिको लीगल। 17 और 18 सितंबर को जुटेंगे मेडिको लीगल। भोपाल के एम्स में होगा मेडिको लीगल का राष्ट्रीय सम्मेलन। मध्य प्रदेश में शाला त्यागी बेटियों की जानकारी देने के मामले में कलेक्टर शासन के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, इसका खुलासा स्कूल शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार ने विधायक हर्ष विजय गहलोत के सवाल के लिखित जवाब में किया है। शिक्षा मंत्री के मुताबिक एक भी कलेक्टर ने स्कूल शिक्षा विभाग 2019-20 में शाला त्यागी 11 से 14 साल के बच्चियों की जानकारी मांगने के बाद भी नहीं भेजी। आज देशभर में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने वैश्विक स्तर पर बड़ी पहल की है। अब अंग्रेजी की अपेक्षा हिंदी का दबदबा बढ़ने लगा है और अब मोदी सरकार में कैबिनेट का एजेंडा भी ब्रीफिंग हिंदी में तैयार की जाती है। बता दें कि पीएम मोदी की ओर से सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा समेत कई वैश्विक मंचों पर भी हिंदी में संवाद की बात जोर दिया गया। सरकार में शामिल गैर हिंदी भाषी मंत्री और अफसर भी हिंदी बोलते नजर आते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट करके सरकार को घेरा। उन्होंने कहा है कि बच्चियों के साथ नहीं रुकी दुष्कर्म की घटनाएं। डबरा में रेत के अवैध उत्खनन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। इस दौरान अवैध परिवहन करते 4 डंपरों को किया गया जब्त। श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क के लिए अपनी जमीन और किला देने वाले पालपुर के पूर्व राजघराने के वंशजों को 17 सितंबर को होने वाले कार्यक्रम का निमंत्रण नहीं दिया गया। उनके मुताबिक एक तो संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया गया है और कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया और अब कार्यक्रम में भी नहीं बुलाया गया। भोपाल का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक अपनी कलाई पर मध्य प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टैटू करवाए हुए नजर आ रहा है। इससे नरोत्तम मिश्रा से खुद प्रभावित बता रहा है। वीडियो में युवक ने बताया है कि उसने यह टैटू प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के दतिया में हुए कामों से प्रभावित होकर बनवाया। दुर्ग में बीएसपी के कोक ओवन में गैस का रिसाव हो गया। गैस निकलने से कई कर्मचारी बेहोश हो गए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों ने वक्त रहते मोर्चा संभाला और पूरे एरिया को सील किया। अमेरिका में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नर्स के जज्बे को सलाम करने का मामला सामने आया। पथरीले पहाड़ों और नदी नालों को पार करके महिला का प्रसव करवाया। मूसलाधार बारिश के कारण गांव से संपर्क टूट गया था। प्रसूता के पास नहीं पहुंच पाई थी एम्बुलेंस। भोपाल में 3 साल की बच्ची से रेप का आरोपी और निजी स्कूल बस ड्राइवर के घर पर हथौड़ा चलाकर उसको गिराया गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी वसंत कुंज कॉलोनी के पास गार्डन की जमीन पर कब्जा करके अवैध रूप से रह रहा था। बच्ची से रेप के मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी की है और कार्रवाई के साथ ही जिला प्रशासन के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। ग्वालियर में रात्रि गश्त से निकले आईपीएस अधिकारी के साथ जीआर मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने रात में करीब 2 बजे अभद्रता की। घटना बीती रात गश्त के दौरान बताई जा रही है। सुबह होते ही पुलिस ने मेडिकल कॉलेज को छावनी में तब्दील कर दिया और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलीराजपुर के आजाद नगर पुलिस ने 83 पेटी गोवा फिश की अवैध शराब जब्त की है। जानकारी के मुताबिक अवैध शराब की कीमत 1,93,000 रुपये। मुरैना में 3 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला। थाने से 200 मीटर की दूरी पर आरोपी ने वारदात को दिया अंजाम। जानकारी के मुताबिक बच्ची 3 घंटे से बेहोशी की हालत में थी। डॉक्टरों की टीम ने जांच कर नाबालिग बच्ची को ग्वालियर रेफर किया। नरसिंहपुर में एक पिता अपने जवान बेटे का शव लेकर जिला कलेक्टर की शिकायत करने के लिए पहुंचा, लेकिन जिला कलेक्टर साहेब ने उस पिता की फरियाद नहीं सुनी। पिता का आरोप है कि बेटे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से बेटे की मौत हुई। भोपाल में रात से ही रुक रुककर बारिश हो रही है। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, विदिशा, छिंदवाड़ा, सागर समेत कई जिलों में बारिश के आसार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली में अब उन्हीं लोगों को बिजली सब्सिडी मिलेगी जो इसके लिए आवेदन करेंगे। इसके लिए आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग फ्री की बिजली नहीं चाहते हैं, ऐसे में अब दिल्ली में उन्हीं लोगों को बिजली मिलेगी जो बिजली की सब्सिडी मिलेगी जो चाहेंगे। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में पहले बिजली बहुत जाती थी, हमने इसे ठीक किया, अब 24 घंटे बिजली रहती है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में बिजली के 58 लाख उपभोक्ता हैं, इनमें से 30 लाख के बिजली के बिल जीरो आते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जरूरी दवाओं की राष्ट्रीय सूची जारी की है। इस लिस्ट में 384 मेडिसिन को शामिल किया गया।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 384 दवाओं की यह सूची 2015 के बाद अपडेट की गई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई जबकि 25 लोग घायल हुए। जानकारी के मुताबिक पुंछ के सब्जियान इलाके में मिनी बस हादसे का शिकार हो गई और घायलों को मंडी के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि मिनी बस में क्षमता से अधिक यात्री बैठाए गए थे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। खूब खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मुंबई और आसपास के इलाकों में मंगलवार को भारी बारिश हुई और मौसम विज्ञान विभाग की ओर से आगे भी बारिश होने की संभावना जताई गई है। भारत में कोरोना के 5108 नए मामले सामने आए। देश में एक्टिव केसों की संख्या 45,749। मिजोरम में कोरोना के 36 नए मामले सामने आए जबकि किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई। यमुनानगर में पंसारी बाजार में फायरिंग के बाद हड़कंप मच गया। दरअसल स्कूटी सवार एक युवक पर 3 बदमाशों ने फायरिंग की। फायरिंग में युवक को गोली नहीं लगी लेकिन छुरा लगने से बच्चा घायल हो गया। होटल के खिरवी गांव के पास एक पेड़ से बस टकरा गई जिसके बाद कार टकरा गई जिसके बाद कार में आग लग गई और आग इतनी तेजी से लगी कि कुछ ही मिनटों में कार जलकर राख हो गई। हादसे के तुरंत बाद ही कार चालक गाड़ी से निकल गया था। इस दौरान किसी की भी जान का नुकसान नहीं हुआ। गरनौर पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल बेचने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी अभिषेक और सागर से गिन्नौर से हुई मोटरसाइकिल चुराई थी जिनके बारे में पुलिस पता लगा रही है। पाकिस्तान का शांत खैबर पख्तूनख्वा इलाके में एक विस्फोट से शांति समिति के एक सदस्य और 2 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई है। कम से कम 5 लोग और मारे गए हैं। पुलिस ने बताया कि दोषियों की गिरफ्तारी के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। अभी तक किसी आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। मल्टी टैलेंटेड आयुष्मान खुराना अपना 38वां बर्थडे आज सेलिब्रेट कर रहे हैं और फिल्मी करियर में उन्होंने शानदार एक्टिंग के कारण एक नेशनल अवार्ड और 4 फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं। सीरीज हशाशक अप्रैल में रिलीज हो चुका है। सीरीज में जूही चावला और आयशा जुल्का नजर आएंगी। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर जल्दी पेरेंट्स बनने वाले हैं जिसके लिए उनकी माँ और सास खास तैयारी कर रही हैं। जल्दी आलिया भट्ट का बेबी शावर किया जाएगा। वहीं सैफ अली खान की बहन सुहा अली खान ने बेटी का एक प्यारा सा वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया जो खूब चर्चा में। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह अर्जुन कपूर ने फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में शिरकत की है। दोनों ने तुम तो ठहरे परदेसी गाने पर जोरदार डांस किया और दोनों ब्लैक सूट में काफी हैंडसम नजर आए। मुन्ना माइकल जैसी फिल्मों में सिद्धार्थ निगम काम कर चुके हैं। सिद्धार्थ निगम ने इस बीच कंफर्म किया कि किसी का भाई किसी की जान में वो नजर आएंगे। तो बिशप पीसी सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लीव ऑफ अब्सेंस पर भेजे गए हैं बिशप। रीवा लोकायुक्त पुलिस ने सीधी जिले के चुरहट तहसील में दुआ गांव में बड़ी कार्रवाई की है जहां पर रिश्वतखोर पटवारी को 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। बता दें कि चुरहट तहसील दुआ गांव के निवासी ने रीवा लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल धाकड़ से शिकायत दर्ज कराई थी। बालोद में चोरों का आतंक जारी है। 7 दुकानों को ताला तोड़कर उड़ाई गई नकदी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरों की पूरी हरकत। इंदौर में रिश्ते को शमशान करने वाला मामला सामने आया जहां पर अवैध संबंधों के चलते पत्नी ने भांजे के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी।